पाठ पांच आंडियां दा चोर। सिमरन, शेर किसका शिकार करता है? जानवरा दा। ओ, एक मांसाहारी जानवर है। अच्छा, सारे जानवर मांसाहारी हुंदे हन? नहीं, सारे जानवर मांसाहारी नहीं हुंदे। जिवें हिरन, मज, गां, ऊठ शाकाहारी जानवर हन। ताकि सप भी मांसाहारी जानवर है? हाँ, सप भी एक मांसाहारी जानवर है। उसका भोजन चूहे, डड्डू अते पंछियां दे अंडे हुंदे हन। सप अंडे भी खांदे हन? हाँ, सप अंडे भी खांदा है। मैं तेनू एक कहानी सुनाउंदी हाँ, आंडियां दा चोर। एक मोरनी ने जंगल विच एक थां अंडे दिते। उसने अपने अंडे गिने। अगले दिन उसने देखा कि उसके आंडियां चो दो अंडे कट गए सन। मोरनी ने यह गल मोर नू दसी। मोर ने आलणे दी राखी शुरू कर दिती। मोर ने देखा कि रात नू उना दे आलणे दे नेड़े एक सप आउंदा है, जो उना दे आलणे विच्चों अंडे चोरी कर लैंदा है। मोर ने अद्धी रात नू रौला पा दिता। उसने कहा, चोर चोर, जंगल विच चोर आ गया। मोर दी क्वें क्वें दी आवाज ने सारे जंगल नू डरा के रख दिता। शिकार करन वाले जानवर रुक गए। ओह भज के उत्थे पहुंच गए जिथे मोर बैठ के रौला पा रहा सी। उना मोर नू पुछया कि की होया है। मोर ने दस्या कि उना दे आंडियां दा चोर लब गया है। कौन है ओह चोर? जानवरां ने पुछया। मोर ने दस्या कि जंगल विच एह सारा काम उस सप दा है। ओह चोरी छिपे आउंदा है ते सारे आंडे खा जांदा है। चलो लबिए। जानवरां चो खरगोश ने कहा, मैं उसनु लब सकदा हां। मैं जानदा हां कि ओह किथे रहंदा है। नहीं, सानू एह काम आप नहीं करना चाहिदा। आपा उसदी इस करतूत दी शिकायत शेर को लगावांगे। साडे जंगल दा राजा शेर है। सानू उस कोल ही अपनी शिकायत करनी चाहिदी है। लुमड़ी ने ठीक सलाह दित्ती। सारिया ने लुमड़ी दी सलाह मान ली ते शेर कोल सप दी शिकायत करन दा फैसला कीता। अगले दिन शेर जो जंगल दा राजा सी, जिस दी गल जंगल दे सारे जानवर मनदे सन। शेर ने जदों अपना दरबार लगाया, जानवर अपनी शिकायत लेके पहुंच गए। सारी गल सुनन तो बाद शेर ने कहा, सप नू बुलाओ। सप ने शेर दे दरबार विच हाजर होण तो इनकार कर दिता। उसने कहा कि ओह किसे राजा नू नहीं मनदा। जदों शेर नू इस गल दा पता लग गया ता शेर ने सप दा खुरा खोज मिटा देण लई कहा। इस काम वास्ते न्यूले नू जिम्मेदारी सौंपी गई। सप नू देखदे ही उस नाल लड़ाई करके उस नू मार दियो। न्यूले ने सिर झुका के एह जिम्मेवारी लई। मोर जो एक पासे खड़ा देख रहा सी, मेरी गरीब दाता बहुत नुकसान हो गया है, मैनू की हुकम है? शेर ने मोर वाल देख के कहा, तू अगे तो सप नू अपने आलणे दे नेड़े फटकण ना देवी ते देख दे ही उस नू मार देवी। उधर जदो जानवरां दे फैसले दा पता सप नू लग्या ता ओह दरखत तो उतर के जमीन विच चला गया। हुण सप दी वारी सी। उस नू खुड पुटनी नहीं सी आउंदी। खुड बनाउण वास्ते मिट्टी पुटण दी लोड़ पैंदी है ते मिट्टी पुटण लई हत्थां ते तिखे पंजियां दा होना जरूरी है। सप कोल ना हाथ सन ते ना ही तिखे पंजे। जानवरां तो अपने आप नू बचाउण लई उस दा जमीन हेठां लुकणा जरूरी सी। उसनू एक खुड दिखाई दित्ती। एह एक चूहे दी खुड सी। सप अपनी जान बचाउण लई उस खुड विच वड़ गया। उस दिन तो जानवर सप नू लभदे फिरदे हन ते सप अपनी जान बचाउण लई चूहियां दी खुड्डां विच रहिंदा है।